अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नौशी ब्यूटी एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है डैंड्रफ। हमारे हेयर में जो है बहुत ज़्यादा इचनेस हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, तो उसके लिए बहुत सारे ऑयल्स आते हैं, ऑनलाइन भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत महंगे महंगे, लेकिन अक्सर जो है हमें उनका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता। लेकिन यहाँ पर जो मैं आप लोगों के साथ आज एक रेमेडी शेयर करूँगी, ये बहुत ही बेनिफिशियल है और अगर आप लोग इसको 2 से 3 बार यूज़ कर लेते हैं तो आपकी जो इचनेस और डैंड्रफ का मसला है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मेरे पास 2 सिंपल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और आपने इन ये हर घर में तकरीबन मौजूद होते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है मस्टर्ड ऑयल मौजूद है, जिसे हम सरसों का तेल भी कहते हैं, और ये हर घर में मौजूद होता है। ये इसकी अगर अपनी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो ये एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इसके बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स हैं। और हम बरसों से देखते आ रहे हैं अपने घरों में कि इस ऑयल को जो है वो यूज़ किया जाता है। तो आपने इस ऑयल के जो है वो 2 टेबलस्पून ले लेने अपनी हेयर के हिसाब से, हेयर की लेंथ के हिसाब से, लेकिन इस ऑयल को सिर्फ आपने स्कैल्प में यूज़ करना है, बाकी बालों पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो हमारा मेन प्रॉब्लम होता है वो स्कैल्प से शुरू होता है। अगर हमारा स्कैल्प क्लीन होगा तो हमारे बाल सही होंगे। स्कैल्प पे अगर डैंड्रफ आ जाती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे कि समर स्टार्ट होते हैं तो हमारा जो है विंटर्स में हम लोग गर्म पानी से बहुत ज़्यादा अपने हेयर को वॉश कर रहे होते हैं, और जब अचानक मौसम चेंज होता है तो फिर उससे ये होता है कि हम लोग फिर नॉर्मल वाटर से अपना हेयर को वॉश करते हैं, तो उससे डैंड्रफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है बालों में, और ये प्रॉब्लम अक्सर देखने में आता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है रोहिणी नीम। ये आपको किसी भी पंसार के शॉप से आसानी से मिल जाएगा और इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर मेंशन है 60 रुपीज़। इसकी एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर मेंशन की हुई है, और बहुत सारी कंपनीज़ का महरबा का और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ के जो हैं ऑयल मौजूद होते हैं। तो वैसे भी ये मिल जाता है ऑयल, आप लोग पंसार की शॉप पर जाएंगे तो वो आप लोगों को ये ऑयल दे देंगे। नीम के जो बेनिफिट्स हैं वो इससे कौन वाकिफ़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एक्जिमा के लिए। उसके अलावा जो हमारी एलर्जी हो जाती है बॉडी पर, हो जाए चाहे आपके हेयर पर, स्किन पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो रखता है। यहाँ पर इसके बेनिफिट जो मेंशन किए हुए हैं कि एक्जिमा के लिए है, अदर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अप्लाई अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अफेक्टेड एरिया वंस और ट्वाइस ए डेली, मतलब अगर आपकी बॉडी के ऊपर एलर्जी है या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है और ख़ारिश वगैरह होती है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी ये अच्छी साबित होती है। और जो यहाँ पर बताया कि डैंड्रफ के लिए, ड्राइनेस के लिए है, अगर इसको आप लोग अपने शैम्पू में जो है वो इसके 2 ड्रॉप्स डालकर ऐड करेंगे और वो वाला शैम्पू आप यूज़ करेंगे तो आपकी सर से जो है बिल्कुल डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी। 25 ml की ये छोटी सी बोतल है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस जो ऑयल है मस्टर्ड ऑयल, इसके अंदर आपने इस नीम ऑयल को ऐड करना है। इसकी जो स्मेल है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन आप लोगों ने इसको अगर यूज़ करना है तो 2 से 3 बार वीक में आप इस ऑयल को बना के यूज़ करें। आप 2 टेबलस्पून जो है मस्टर्ड ऑयल, उसके अंदर आप लोगों ने इसको 1/2 टीस्पून जो है आपने नीम ऑयल का जो है वो लेना है और इसमें ऐड करना है, और इस ऑयल को आपने अपने स्कैल्प पर लगाना है और 2 घंटे के लिए अपने जो है इस ऑयल को अपने हेयर में छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद आप लोगों ने अपने हेयर को वॉश करना है, और अगर हो सके तो आप लोग इस ऑयल को शैम्पू में भी मिक्स कर लें, मतलब जो भी शैम्पू आप ले रहे हैं उसको एक बाउल में लें, जितना आपने यूज़ करना है उसमें आप 2 से 3 ड्रॉप इस नीम ऑयल की यूज़ करें, और फिर इस जो है ऑयल से जो हेयर वॉश करना है तो उस शैम्पू से आप अपने हेयर को वॉश करें और आपकी डैंड्रफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जो भी इचनेस और स्कैल्प का इशू है वो आपका सारा ठीक हो जाएगा। तो ये छोटी सी एक सिंपल सी रेमेडी थी। अगर आप लोगों को इस तरह का कोई इशू है तो इस रेमेडी को एक बार ट्राई ज़रूर करें, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।